वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है क्लास नाइन्थ का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे बेटा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है दो लेक्चर्स में हमने जो है इस चैप्टर का जो कोर कंसेप्ट था वो सब हम लोग जो है डिस्कस कर चुके थे। साथ ही साथ आपको जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, डोल्टन एटोमिक थ्योरी, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, साथ ही साथ आपको जो है मोनो एटोमिक आयन, पॉली एटोमिक आयन्स वगैरह हम लोग जो है डिस्कस कर चुके थे। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब हमारा लगभग जो है फाउंडेशन इस चैप्टर का लगभग आपका जो है कवर हो चुका है स्टूडेंट्स। साथ ही साथ स्टूडेंट देखिए, आपसे पहले हमने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एंटोनी एंड लेवेजियर जी ने दिया था, इसलिए उनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है माना जाता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन भी जो है जोसेफ एल प्रोस ने दिया था। इन दोनों ने ही मिलकर आपको लॉ ऑफ कम्बिनेशन जो है इन दोनों ने इस्टेब्लिश किया था, यानी कि एंटोनी लेवेजियर और जोसेफ एल प्रोस ने मिलकर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का जो लॉ है वो यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग जो है इस चैप्टर में फर्दर मूव करेंगे और यहाँ पे जो है जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको हम लोग जो है कवर करेंगे। बाकी जितनी आपकी वीडियोज़ है, लगभग दो वीडियोज़ या दो लेक्चर्स मैंने इस चैप्टर के आपको अपलोड किए हैं, तो उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको जो है देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आज की क्लास में जो है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट से जो अपना टॉपिक है उसको हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से भी लगभग क्लास नाइन्थ में जो है हर बार एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यानी कि यहाँ से भी जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रहती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? तो मॉलिक्यूलर मास क्या, देखिए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, जितने भी एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस में होते हैं उन्हीं सबको अगर हम सम कर दें, उनके एटॉमिक मास को अगर हम सम कर दें, देन वी विल गेट मॉलिक्यूलर मास। यानी कि सिंपली हम इसको कह सकते हैं, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम का जो एटॉमिक मास का सम होता है उसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और वी कैन से द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव मास एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट यू। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिस तरह से हम लोग जो है एटॉमिक मास को यू के फॉर्म में लिखते हैं या यू यूनिट से दिखाते हैं, इसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसको भी हम लोग जो है स्मॉल यू या एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो एग्जांपल के हम लोग जो है कैलकुलेट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी कि H2O का मॉलिक्यूलर मास जो है हम निकाल रहे हैं। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास में देखिए, हाइड्रोजन जो है वो डबल है और ऑक्सीजन जो है ये एक मोनो एटॉमिक है यहाँ पे, यानी कि एक सिंगल एटम है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम उसको जो है डिवाइड कर देंगे 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन में, देन वी विल गेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें पता है जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का, डेट इज़ इक्वल टू 1 ही होता है, और मॉलिक्यूलर मास जो ऑक्सीजन का होता है वो 16 होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 = 2 प्लस 1 × 16 = 16, 2 + 16 = 18 यू। तो 18 यू जो है मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वाटर का। तो यहाँ पे हम आसानी से इसी तरीके से कोई भी जो भी आपका जो है सब्सटेंस या आपको जो है प्रोडक्ट गिवन होगा उसको हम जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे अब हम लोग जो है फॉर्मूला यूनिट मास की तरफ। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, जैसे देखिए हमने अभी कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर मास, इसी तरीके से अगर हमें फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है तो जितना भी सब्सटेंस जो आयन फॉर्म में होते हैं उसके लिए हम लोग जो है सिंपली फॉर्मूला यूनिट मास यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन किया है, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन्स एंड एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड, यानी कि ये जो है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन है या एटम्स है जो कि प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, आयन्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट है। तो वही यहाँ पे बताया मैंने, वी यूज़ फॉर्मूला यूनिट फॉर दूस सब्सटेंस व्हिच कंस्टेंट पार्टिकल आर आयन्स, यानी कि जिनमें कंस्टेंट पार्टिकल आयन्स में होंगे वहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की जगह जो है फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे। बाकी सारी कैलकुलेशन का जो तरीका है वो आपका एज इट इज़ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं NaCl का जो है हमें मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है,
तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 AMU या इसको आजकल हम लोग जो है स्मॉल यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन का 35.5, तो Na+ एंड Cl- होता है, ये मैंने आपको जो है पिछली क्लास में आयंस जब पढ़ाए थे तब पढ़ाया था। तो सोडियम का Na+ है तो 1 × 23, क्लोरीन का 1- है तो 1 × 35.5, इसको हम सोल्व करेंगे तो 58.5 यू जो है आपका, यानी कि फॉर्मूला यूनिट मास आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मूव करेंगे हम लोग मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास एंड मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ डैट सब्सटेंस, यानी कि मोलर मास कुछ नहीं है, किसी एक मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होता है उसी को हम लोग जो है मोलर मास कह सकते हैं, यानी कि द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एक मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होगा वही आपका जो है मोलर मास होगा। इसकी जो मोलर मास की जो वैल्यू होती है इट इज़ इक्वल टू 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ डैट एलिमेंट और यू कैन से सब्सटेंस। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग आपकी 6.022 × 10²³ एटम्स के बराबर होती है, जिसको अभी हम लोग जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इट इज़ इक्वल टू 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ डैट एलिमेंट और सब्सटेंस। चलिए कुछ एग्जांपल इसमें भी देखते हैं। जैसे हम लोग सिंपली देखते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अभी पढ़ाया आपको कितना है, 1 U है, सो वी कैन से मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 1 g/mol, यानी कि इसके एक मोल का जो मास होगा आपका मोलर मास होगा वो 1 g/mol ही होगा, यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो स्मॉल यू की यूनिट है उसको जो है ग्राम में कन्वर्ट यहाँ पे कर देंगे। इसी तरीके से एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 U है, तो इसका मोलिकुलर मास नाइट्रोजन का जो है 14 g/mol होगा, यानी कि हम जो है एक मोल के लिए निकाल रहे हैं इसके लिए हम उसको जो है वहाँ पे ग्राम पर मोल कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरीके से मोलर मास ऑफ सल्फरेट, तो 8 × सल्फर मोलिक्यूल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मास से, यानी कि मास ऑफ सल्फर 8 तो 32 × 8 256 g/mol। इसी तरीके से हम HCl का जो है मोलर मास फाइन कर सकते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन का तरीका भी आपका जो है मोलिकुलर मास के जैसे ही है, जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ क्लोरीन, तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बीच में प्लस का साइन आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जहाँ पे मैंने जो है इक्वल का यहाँ पे साइन लगा दिया है, बट यहाँ पे जो है आपका प्लस का साइन आप यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा, ये जो बीच में जो वैल्यू लिखी हुई है दिस इज़ द वैल्यू, यहाँ पे आप जो है प्लस कंसिडर करिएगा, ठीक है। तो 1 + 35.5 इक्वल टू 36.5 g/mol आपका जो है मोलर मास यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मूव करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जिसमें जो है बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है और जनरली जो स्टूडेंट्स हैं इस पे आने वाले न्यूमेरिकल्स को जो है काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए। तो हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट देखिए, इसको काफ़ी ध्यान से समझिएगा, यहाँ से लगभग जो है एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आने का चांस होता है और इसका जो कंसेप्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए मोल कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले ये हम लोग जान, तो देखिए मोल कंसेप्ट जो है, सबसे पहले विलियम ओस्टवर्ड इंट्रोड्यूस द टर्म मोल, सबसे पहले विलियम ओस्टवर्ड ने जो है मोल टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ये एक लैटिन वर्ड है बेटा, जिसका मतलब क्या है, ह्योप, यानी कि किसी भी, जैसे रेत की ढेरी होती है आपने देखा होगा, चींटियां जो है जब अपना घर वगैरह बनाती है तो मिट्टी को जो है अपना जो ठीक है बिल है उसमें से बाहर की तरफ जो है इकट्ठा कर देती है, तो उससे वहाँ पे जो है एक मिट्टी की एक ढेरी बन जाती है। तो कुछ इसी टाइप से लैटिन वर्ड में भी इसका मतलब क्या होता है, हीप ही होता है या होप ही होता है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, द मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स, यू कैन से पार्टिकल्स के यहाँ पे हम एटम्स कंसिडर कर सकते हैं, आयन कंसिडर कर सकते हैं, मोलिकुल कंसिडर कर सकते हैं, या फॉर्मूला यूनिट मास भी कंसिडर कर सकते हैं एज इन 12 g ऑफ कार्बन 12। तो देखिए हमने पढ़ाया था आपको, जब हम एटॉमिक मास की कैलकुलेशन करते हैं तो हम वहाँ पे जो है कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड जो है हम यूज़ करते हैं, यानी कि एटॉमिक मास कैलकुलेशन में हम कार्बन 12 आइसोटोप का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मोल कंसेप्ट को फाइंड करते हुए हम लोग जो है कार्बन 12 आइसोटोप का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ बताया 1 मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसमें उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने कि 12 g ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं, यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप लीजिए उसका 12 g मोलिक्यूल्स लीजिए और उसमें जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे डैट इज कॉल्ड मोल।
सो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इसमें, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब ये आपके एटम में भी हो सकते हैं, आयंस में भी हो सकते हैं, मोलिकुल या फॉर्मूला यूनिट मास में भी हो सकता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया, इट इज़ द ग्रुप ऑफ 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स, यू कैन से एटम मॉलिक्यूल्स और आयन ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे याद रखना है आपको 12 ग्राम जो कार्बन होता है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो 6.022 × 10²³ एटम्स ही आपके यहाँ पे जो है कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं। इसीलिए जो आपका 1 मोल होता है डेट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम 6.022 × 10²³ एटम, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ही होगा। अगर हम एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो एटम के फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में भी कितने एटम्स होंगे, 6.022 × 10²³। इसको हमने जो है यूनिवर्सली अब जो है एक्सेप्टेड कर दिया है। सो वी कैन से ये जो वैल्यू है 6.022 × 10²³, इसको हम लोग जो है एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं या एवोगैड्रो नंबर एन से शो करते हैं, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन की वैल्यू है वो एवोगैड्रो ने जो है इसकी कैलकुलेशन करी थी। तो ये वैल्यू जो है 6.022 × 10²³ इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम जो है एन ए या एन नोट से शो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको बताया 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट हैज़ मास इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ डैट एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल होता है वो उसका जो है ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल ही होगा, यानी कि उसका मास जो है अगर हम ग्राम में कैलकुलेट करें तो वो सेम ही यूनिट आपकी यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग जो है मोल कंसेप्ट में किस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, इसका जो है 2 तरीका है मोल फाइंड करने का, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम जो है गिवन मास अपॉन मोलर मास का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम गिवन मास को स्मॉल एम से शो करेंगे, मोलर मास को कैपिटल एम से शो करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को हम जो है स्मॉल एन से यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो पहला तरीका हुआ किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का दूसरा तरीका हुआ, अगर वहाँ पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो हम जो है एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड करके भी वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ओ या एन नोट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या एन ए भी आप यहाँ पे जो है लिख सकते हो, जो कि आपका कुछ नहीं है, एवोगैड्रो नंबर ही है जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी होती है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर को कंपेयर करके, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके भी फाइंड कर सकते हैं, जिसमें स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एम, यानी कि मास अपॉन मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इससे भी हम जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई भी रिलेशन जो इन तीनों या चारों वैल्यूज़ में हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें जो है यहाँ पे स्मॉल एम निकालना है यानी कि मास निकालना है, तो हम चाहें तो इस एम को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एम क्रॉस एन अपॉन एन नोट से यहाँ पे डिवाइड करके भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सब हम लोग जो है न्यूमेरिकल सेक्शन में इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए एनसीईआरटी में आपको जो है एक टेबल गिवन है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको रिलेशन बिटवीन मोल एवोगैड्रो नंबर एंड मास में जो है आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है। तो ये किस तरह से होगा, मान लीजिए हम लोग जो है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी आपका 6.022 × 10²³ नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स हो सकता है, जो कि मॉलिक्यूलर मास जो है ग्राम में इक्वल के ही बराबर होगा। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल एटम आयंस में भी रिलेटिव मास ऑफ डैट पार्टिकल इन ग्राम हम कंसीडर करेंगे, इसमें भी आपका जो है सेम नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे आपका रहेगा। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन कंसीडर कर सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर भी आपका इतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल रहेगा। और अभी मैंने आपको बताया 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में भी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम और 6.022 × 10²³ ऑफ कार्बन जो है अवेलेबल आपके नंबर रहेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू है 6.022 × 10²³ वो जो है सभी के सभी, चाहे वो मोल हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, उन सब में ये वैल्यू जो है हमेशा सेम रह रही है स्टूडेंट, इसलिए हम इसको जो है एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। चलिए तो मूव करेंगे अब हम लोग जो है
परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, देखिए द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए कंपाउंड इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल मास ऑफ डैट कंपाउंड। यानी कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड की वैल्यू उसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग जो है परसेंटेज कंपोजिशन का यूज़ करते हैं। यानी कि ये वो कंपोजिशन होते हैं किसी भी कंपोनेंट की जो टोटल मास ऑफ कंपाउंड में अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगी, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है मास ऑफ द एलिमेंट और मास ऑफ द कंपाउंड का यूज़ करेंगे इनटू में 100 जो है हम परसेंटेज के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन ए कंपाउंड मास ऑफ द एलिमेंट और टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं, जिसमें आपको जो है इन तीनों ही टॉपिक में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू यहाँ पे पूरा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल एग्जांपल 3.1, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें जो है एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है एटॉमिक मास या तो क्वेश्चन में जो है ठीक है कई बार गिवन होता है आपको, या आपको एक से लेके कम से कम 20 तक के जो एटॉमिक मास है वो आपको जो है याद करने चाहिए। ऐसा मैं जब चैप्टर नंबर 4 आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है आपको एक सीरीज आपको पूरी याद कराऊंगा, जिसमें हम लोग जो है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वगैरह जो है पूरा सीक्वेंस से याद करेंगे। तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके काफ़ी कंसेप्ट इस चैप्टर के क्लियर होंगे। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकालने के लिए हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U होता है, ऑक्सीजन का 16U, जैसा अभी ये क्वेश्चन कराया था। तो इसके लिए हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2×1, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 मॉलिक्यूल्स है, उसका जो एटॉमिक मास है वो 1 है और ऑक्सीजन आपका 1 ही है और उसका जो एटॉमिक मास है वो 16U है। तो इसको मल्टीप्लाई करके और सोल्व करके जब हम ऐड करेंगे तो 18U आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको हम लोग, तो इसका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन ऐड करेंगे प्लस 3 टाइम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग जो है ऐड कर देंगे, क्योंकि HNO3 में हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करेंगे 1+14 और +16 3 जा 48, तो आपका जो आंसर आएगा वो 63 आंसर आपका यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखिए कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaCl2। तो देखिए मैंने बताया फॉर्मूला यूनिट हम किस में यूज़ कर रहे हैं, आयंस में। तो CaCl2 क्या है, एक आपका आयनिक कंपाउंड है जिसमें Ca2+ और Cl2-, वैसे क्लोरीन जो होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, तो यहाँ पे इसका जो आयन्स होंगे वो 1 आयन होंगे, बट यहाँ पे जो है 2 नंबर यानी कि 2 नंबर क्लोरीन का यहाँ पे जो है अवेलेबल है आयन्स एटम्स के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2× में एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन को जो है यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास यहाँ पे आ जाएगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 14 होता है, 2× में क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, तो इसको ऐड कीजिए 40+71 U आपका आंसर जो है यहाँ पे होगा। और हमेशा जो है आपको ऐसा यूनिट स्मॉल U ज़रूर लिखना है। इसी तरीके से देखिए अब हम लोग जो है नंबर ऑफ मोल्स पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है डाउट रहता है, तो आपको इसको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग के लिए हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे 52 ग्राम ऑफ हीलियम में आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। यहाँ पे आपको हिंट दी भी जा सकती है या नहीं भी दी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपको हिंट गिवन है फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, यानी कि मोल का कैलकुलेशन मास से आपको यहाँ पे करना है। इसी तरीके से 12.022 × 10²³ नंबर ऑफ हीलियम एटम, यहाँ पे भी आपका मोल का जो है वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी आपको जो है नंबर ऑफ पार्टिकल से फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो है जैसे हम लोग जो है नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास के लिए स्मॉल एम, मोलर मास के लिए कैपिटल एम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एवोगैड्रो नंबर को हम यहाँ पे एन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहे तो एन नोट भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस में आपको गिवन है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, आपको पता होना चाहिए जैसे 52 ग्राम के लिए फाइंड करना है तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4U होता है, जिसको हम लोग जो है मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो इसको यू को हम जी से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका आएगा 4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए अभी पढ़ा है मैंने आपको स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो स्मॉल एन की वैल्यू जो है स्मॉल एम यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास 52/4
13 आपका जो है नंबर यहाँ पे होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का दो ही फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पे कितना है आपका 52 है, देखिए यहाँ पे गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम और हीलियम का हम लोग जो है मोलर मास से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी जो है 13 यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से देखिए सेकंड केस में आपको जो है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स गिवन है, तो नंबर के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, वन मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का उसमें 6.22 × 10²³ एटम्स होते हैं, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम लोग जो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे कर देंगे, यानी कि स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, तो 12.044 × 10²³, 6.022 × 10²³, तो दोनों ही जो है 10³ से 10³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आप जो है यहाँ पे बड़ी आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिएगा और ये देखिए ये नंबर जस्ट इसका जो है 2 टाइम मल्टीपल है, तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो 2 आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है जिसमें कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो हम जो है एन अपॉन एन ए का फॉर्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आया होगा आपको, चलिए इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए एक न्यूमेरिकल हम लोग जो है और करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन गिवन आपको, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें जो है फॉलोइंग का मास कैलकुलेट करना है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे आपको मोल गिवन है 0.5 और आपको जो है गैस नाइट्रोजन गिवन है, यहाँ पे आपको हिंट में गिवन है मास फ्रॉम मोल ऑफ द सब्सटेंस, सॉरी मोल ऑफ मॉलिक्यूल से फाइंड करना है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम से आपको कैलकुलेट करना है और थर्ड केस में आपको जो है 3.011 × 10²³ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम से कैलकुलेट करना है, बट यहाँ मास फ्रॉम नंबर आपको कैलकुलेट करना है, 6.022 × 10²³ नंबर ऑफ नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल से कैलकुलेट करना है, यहाँ पे भी आपको जो है मास फ्रॉम द नंबर से ही आपको कैलकुलेशन सारी करनी है। तो देखिए एक बार हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, हमें जो है किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ द फॉलोइंग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मास के लिए हम लोग जो है फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, जैसे अभी पढ़ाया आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स आपका मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मास की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जो है सिंपली मोलर मास इंटू में नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको जो है ऊपर इक्वेशन में आपको यहाँ पे मैंने बताया। अगर मुझे स्मॉल m यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़े, यहाँ पे देखिएगा अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े स्टूडेंट्स, तो मैं इन दोनों को जो है सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर आंसर है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें भी देखिए आपको यही चीज़ मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूला में लिख के दिखाई है, ये चेक कीजिएगा। तो मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू में नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स 0.5 गिवन है और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन N2 का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 14 × 2 = 28, तो 28 को जब 0.5 या हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 14 ग्राम एज मास। इसी तरीके से 0.5 ऑफ नाइट्रोजन एटम यहाँ पे गिवन है, तो बहुत इजी हो गया आपका आपके लिए, मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू में नंबर ऑफ मोल्स, तो 14 आपका जो है नाइट्रोजन एटम का मास होता है, 0.5 करेंगे तो 7 ग्राम आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से अब हम लोग जो है मास की कैलकुलेशन फ्रॉम द आपका जो है एवोगैड्रो नंबर और गिवन नंबर ऑफ मोल्स से इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो हमने देखिए अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे एन अपॉन एन ए की वैल्यू और इसकी वैल्यू को हम जो है सिंपली इक्वेट कर देंगे स्मॉल एम इज इक्वल टू एम इंटू में एन की वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए आपको स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, एन अपॉन एन ए 3.011 × 10²³, 6.022 × 10²³, तो यहाँ पे देखिए सेम पावर जो है कैंसिल हो जाएगी आपकी और ये जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। फर्दर हम लोग जो है स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्मॉल m इज इक्वल टू अभी पढ़ा है आपको m इंटू में n होता है, तो यहाँ पे मोलर मास देखिए हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 14 और अभी एक वैल्यू जो हम ऊपर यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसको हम सिंपली जो है यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू को और इसको जो है 14 इंटू में 3.1 × 10²³ से 23 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये दोनों पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये इसका जो है जस्ट हाफ है, तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आ जाएगी, तो 14/2 आपका जो है सिंपली 7 ग्राम यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसकी भी कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके भी सोल्व कर सकते हैं।
इसी तरीके से देखिए थर्ड केस में आपको जो है सॉरी फोर्थ केस में आपको जो है 6.022 × 10²³ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने को दिया है। तो फिर से हम जो है स्मॉल एन कैलकुलेट करेंगे एन अपॉन एन ए, जिसकी वैल्यू जो है सेम ही आएगी 6.022 × 10²³ और यहाँ पे भी 6.022 × 10²³ यहाँ पे भी रहेगी। तो हम इन दोनों ही वैल्यू को जो है आपस में जब कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि सिंपली जो है बोथ वैल्यू जो है 1 आएगी और 28 जो है यहाँ पे आपका नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल्स है, तो 28 × 1 आपका जो है 28 ग्राम सिंपली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस अप्रोच के साथ अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें जो है थ्योरी कंसेप्ट को काफ़ी आसानी से और काफ़ी बढ़िया तरीके से समझना होता है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग जो है कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ये भी जो है फर्दर NCERT के ही न्यूमेरिकल्स आपको अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ कैलकुलेट करना है आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको कैलकुलेट करने हैं, और आपको गिवन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, यहाँ पे हम नंबर कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द मास, और इसी तरीके से 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में आपको जो है नंबर ऑफ एटम्स आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है आपको यहाँ पे फाइंड करना है, और थर्ड केस में आपको 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम यानी कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल 46 ग्राम सोडियम में, 8 ग्राम ऑक्सीजन में, 0.1 ग्राम कार्बन एटम में कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स के लिए अभी मैंने पढ़ाया आपको, हम लोग जो है इन चारों रिलेशन को जो मैंने अभी आपको पढ़ाया एन अपॉन एन नोट, देखिए ये देखिए ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया एन अपॉन एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, एन अपॉन एन नोट या एन ए, इनको अगर हम कोरिलेट कर दें तो यहाँ से हम जो है कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मास अपॉन मोल मास मल्टीप्लाई बाय एन नोट। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है सेम चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू लिखेंगे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर, जैसे अभी रिलेशन से बताया। तो यहाँ पे जो कैपिटल एन की जो वैल्यू आएगी आपकी वो ठीक है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इनटू में एन आएगी, यानी कि मास अपॉन मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन है मास 46 ग्राम और सोडियम आपको एटम गिवन है, तो सोडियम का जो मोलर मास होता है वो 23 ग्राम होता है, ग्राम से ग्राम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 6.022 × 10²³ यहाँ बचा हुआ है, तो 23 का जस्ट डबल हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 12.044 × 10²³ एटम्स आपका यहाँ पे इजी तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स का जो कोरिलेशन है जो रिलेशन है उसका यूज़ करके हमने सिर्फ स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन और एन ए की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। इसी तरीके से सेकंड केस में देखिए यहाँ पे भी आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के लिए हमें फाइंड करना है, तो गिवन मास अपॉन मोल मास इनटू में एवोगैड्रो। तो यहाँ पे आपको जो है ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, बट यहाँ पे आपको O2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो 16 × 2 = 32 ग्राम आपका जो है यहाँ पे वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे आपको गिवन है ठीक है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपको जो है मोलर मास आपको 8 ग्राम गिवन है, 8 × 32 × 6.022 × 10²³ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है 8 यानी कि 1/4 यहाँ पे आंसर आएगा, और इसकी जो पूरी वैल्यू है जैसे आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो डिवाइड बाय 4 6.022 का तो आपका आएगा 1.50.55 × 10²³। आप चाहें तो दो डिजिट में भी इसको जो है निकाल के यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या आप राउंड ऑफ वैल्यू 1.51 × 10²³ यहाँ पे रख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखिए थर्ड केस में आपको जो है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम के लिए अब हमें जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कैपिटल एन इज इक्वल टू 0.1 × 6.022 × 10²³ कार्बन एटम के लिए हमें जो है एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन करेंगे तो एक पावर आपकी कम हो जाएगी, तो 6.22 × 10²² एटम्स यहाँ पे आपका जो है आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देखिए NCERT के न्यूमेरिकल हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपको जो है NCERT के अलावा मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाए। जैसे आपको यहाँ का एग्जांपल में गिवन है कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन ए पीस ऑफ आयरन वेट 2.8 ग्राम एटॉमिक मास आपको जो है 54 U यहाँ पे गिवन है। सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट आपको एटॉमिक मास जो है
वो यहाँ पे 56U जो है कंसिडर कीजिएगा, ये जो है 54 नहीं है 56 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया है, वन मोल ऑफ कार्बन एटम जो है वो 56 ग्राम होता है, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं, और वन मोल ऑफ आयरन में भी आपका जो है 6.022 × 10²³ एटम ऑफ आयरन होता है, बट यहाँ पे आपको जो है 56 ग्राम के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू भी 6.022 × 10²³ ही होगी। बट यहाँ पे आपको कितने ग्राम आयरन के लिए कैलकुलेट करना है, 2.8 के लिए। तो यहाँ पे आप सिंपली यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए, 1 ग्राम की वैल्यू फाइंड कीजिए 6.022 × 10²³/56, फिर 2.8 ग्राम के लिए आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जो है नंबर ऑफ आयरन्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है और एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आता रहता है, जिसमें आपको जो है किसी भी आयरन मॉलिक्यूल्स का या किसी मॉलिक्यूल का वेट आपको गिवन होता है, और आपको एटॉमिक में वेट और आपको नंबर से जो है वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 3.011 × 10²/22 यहाँ पे आपका होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस 5.32 × 10²/23 गिवन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो आपको क्या निकालना है, उसमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए देखिए, आपको वन मोल ऑफ सब्सटेंस गिवन है, तो हम सिंपली जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस 5.32 × 10²/23, और यहाँ पे स्टूडेंट शायद ये माइनस में गिवन है, 10²−23 यहाँ पे होगा गिवन है, और मास ऑफ द वन मोल ऑफ सब्सटेंस 6.022 × 10²/23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 10²23 और प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके 10⁻⁰ आएगा, जो कि आपका 1 होता है। तो 5.32 × 6.022 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपकी रफली 32 ग्राम के इक्वल होगी। तो देखिए कितने अच्छे लेवल का जो है ये न्यूमेरिकल आपको गिवन है, जिसमें वन मोल ऑफ सब्सटेंस 5.32 × 10²23 गिवन था, आपको जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना था। तो इसको सिंपली हम लोग जो है एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखिए कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूँ, तो इसमें देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में आप लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 के इक्वल रखिएगा, 0.5 × 28 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आपका सिंपली जो मैंने अभी एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल कराया है बिल्कुल वैसा ही है। इसी तरीके से कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 6.022 × 10²23 ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वैल्यू भी सेम ही होगी, तो इसको सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड लगाते हुए, जैसे अभी क्वेश्चन 1 आपको बताया यहाँ पे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 6.022 × 10²23 8/32 आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.51 × 10²23 ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल यहाँ पे कराए हैं इसको आपको जो है बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आप इसको जो है समझ पाएंगे। बाकी अगर आप फॉर्मूले के थ्रू भी अगर आप इनको करते हैं तो सेम ही रिजल्ट आपको जो है मिलेगा स्टूडेंट्स। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।